Good morning, students. I am Jyoti Rajput, and in today's activity, we will learn how to make best out of waste. So, in this activity, you can use this type of carton box, which are available at your home. So, and now you have to cover this thing with this type of cover. You can use newspaper. You can use newspaper, or you can paint also this box. So students, ये मैंने इस बॉक्स को इस अच्छे तरीके से कवर किया है, लाइक गिफ्ट कवर से आपको रैप कर सकते हो. यू कैन रैप इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर. आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो, गिफ्ट पेपर भी यूज कर सकते हो. और देन यू हैव टू टेक अ रोलर लाइक दिस, एंड इसके बाद में जो आपको इस टाइप से एक्सटेंड लेना है, और ये इस तरीके से सेट करना है. ठीक है, इसको ये बॉक्स के अंदर डालने के लिए. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ कटर एंड कट दिस बॉक्स लाइक दिस. इस तरीके से आपको कट करना है. ओके, देन ओपन दिस बॉक्स एंड पिक दिस रोलर विद द टिश्यू पेपर रोल like this. Now take out the tissue paper like this and then close the box. Okay. ओके, दिस इज आवर सेकंड कार्टून बॉक्स जो मैंने आप अच्छे से रैप कर लिया गिफ्ट के साथ में. ये देखिए, तो आप इसको न्यूज़पेपर के साथ में भी कवर कर सकते हैं अच्छे से. एंड दिस इज अ स्मॉल अलमीरा, तो इसको आप बहुत सारी, ये जो है ये दीज आर द कैप्स ऑफ बोतल कैप है, उसको आपको कलर करके यूज करना है, या डबल साइडेड टेप या ग्लू से पेस्ट कर देना है. और ये जो कवर्स है ये मैंने यहीं से कट किया है, तो आपको जो इसके फोर कवर्स आएंगे उनमें से आपको टू साइड से ही कट कर देना है और उसको अच्छे से कवर कर देना है. और फिर ये एक मैंने ऑलरेडी सेट करके बताया है, ये देखिए. देन डबल साइड टेप यूज करना है दोनों साइड में, और फिर इसको इस तरीके से सेल्फ में यूज कर सकते हो. इसको आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जैसे भी आपको सूट करता है वैसे लगा. So now this box is ready for use. You can put things like this. आप इसके अंदर कुछ भी रख सकते हो. This type of material you can use from waste out of waste. यानी कि आपको जो है waste item से इतना useful जो material है वो आपको मिल रहा है, और आपको इससे कुछ भी market से लेने की जरूरत नहीं है. No need to buy anything from the market. Okay? Thank you, and I hope you liking it and you will make this type of boxes.